सो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक दफ़ा फिर से हमारे चैनल पे खुश आमदी। हम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि हम पहले एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने आपको ये बताया था कि लैपटॉप स्कीम में कैसे अप्लाई करना है। हमने आपको पूरा फॉर्म समझाया था कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर पे इसी के रिलेटेड वीडियो हम एक बना रहे हैं, जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं इस वीडियो में कि इस लैपटॉप स्कीम में फ़र्दर प्रोसीजर क्या है, जिसमें वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई करवाना है, फोकल पर्सन से या अपने पोर्टल पे कैसे चेक करना है आपने कि आपकी स्टेटस क्या है एप्लीकेशन का। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आपको बताते हैं कि आगे क्या फर्दर प्रोसीजर है। सबसे पहले हेडिंग है हाउ टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स फॉर पीएम यूथ लैपटॉप स्कीम। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोज कैंडिडेट हु अप्लाइड इन लैपटॉप स्कीम दे चेक देयर एप्लीकेंट स्टेटस एट पीएम पोर्टल। आप पीएम पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है एप्लीकेशन का, करंट स्टेटस क्या है एप्लीकेशन का। तो ये लिंक दिया हुआ है, इस पे आप जाकर देख सकते हैं कि आपके लैपटॉप स्कीम का अब तक का क्या स्टेटस है। तो हम इस लिंक पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा और गाइड करना चाहते हैं और उसमें बताएंगे आपको कि आगे आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो एप्लीकेशन स्टेटस पे जाने से पहले आपको ये बताया जाए कि एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर आ जाएगा अप्लाइड, वेरीफाइड, डिसअप्रूव, सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, एसेट इशूड। ये सारे ऑप्शन हमारे एप्लीकेशन स्टेटस के हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे एप्लीकेशन की करंट स्टेटस क्या है। तो अप्लाइड के अंदर जो कि आप कर चुके हैं, आप लोगों के पास ये ऑप्शन शो हो रहा होगा कि स्टूडेंट हैज सक्सेसफुली सबमिटेड हिज हर एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। कि स्टूडेंट्स जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, तो आपके पास एप्लीकेशन पर ये स्टेटस आएगा अप्लाइड का कि आपने अप्लाइड कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वेरीफाइड का। वेरीफाइड में हमारे पास ये चीज़ होती है कि हम देखते हैं कि स्टूडेंट रिकॉर्ड हैज़ बीन कंफर्म बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन। अच्छा, ये चीज़ के लिए आपको वेरीफाई करने के लिए आपके मतलब स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिसेज जो हैं आपके यूनिवर्सिटी के, उनके पोर्टल पर एक सर्कुलर इशू हुआ होगा जिसमें वो आपको बताएंगे कि फलानी डेट पर आपने आकर हमसे कंसर्न करना है यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे लिए जाएंगे और आपका पोर्टल जो है वो अपडेट किया जाएगा अप्लाइड से वेरीफाइड पे, अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हुए तो। उसके लिए आपको फिजिकली वहाँ यूनिवर्सिटी के ऑफिस जाना पड़ेगा, स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस जाना पड़ेगा। अब डिसअप्रूव के अंदर हमारे पास, जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट्स हैज बीन डिसअप्रूव सॉलिडली बाय द यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन ड्यू टू फ्यू रीजंस विच मे इंक्लूड इनकरेक्ट एकेडमिक डिटेल्स और डेट ऑफ एडमिशन, मिसकंडक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एक्सेट्रा। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास अगर आप इस कैंडिडेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा होगा, इस बेस पे भी आपको डिसअप्रूव किया जा सकता है, या आपकी परसेंटेज का कोई इशू आ रहा है, या फॉर एग्जाम्पल एडमिशन का कोई इशू आ रहा है, तो इन बेसिस पे भी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आ रहा होगा या कोई कंप्लेन वगैरह होगी, कोई वेरिफिकेशन का इशू भी होगा, तो भी आपको डिसअप्रूव फोकल पर्सन की तरफ से किया जा सकता है, ठीक है। बट अब ये है कि आप इसको अपने वेरिफिकेशन का जो टाइम पीरियड दिया गया होगा यूनिवर्सिटी के मुताबिक, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट टाइम पीरियड हो सकता है, तो यूनिवर्सिटी के टाइम वेरिफिकेशन टाइम पीरियड के अंदर जो भी कैंडिडेट को गिवन होगा उसके अंदर वो अपनी अच्छी तरीके से वेरीफाई करवा ले डॉक्यूमेंट्स को, हर चीज़ को वेरीफाई करवा ले अपने, ताकि उसका ये ऑप्शन डिसअप्रूव पे ना जाए, मतलब आपको डिसअप्रूव सिलेक्ट आपको डिसअप्रूव ना किया जाए एप्लीकेशन को आपकी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेक्टेड।
सिलेक्टेड का मतलब ये है कि सिलेक्टेड यू हैव बीन सिलेक्टेड टू ऑन मेरिट फॉर द अवार्ड ऑफ लैपटॉप। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिलेक्टेड हैं, आपको लैपटॉप इसकी लैपटॉप अवार्ड किया जाएगा, आप सिलेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है नॉट सिलेक्टेड। नॉट सिलेक्टेड का मतलब ये है कि द स्टूडेंट इज एलिजिबल बट नॉट सिलेक्टेड ड्यू टू लिमिटेड लैपटॉप कोटा। ये एक बहुत मेन पॉइंट है। बच्चे कहेंगे कि हम तो एलिजिबल हैं, हमें तो लैपटॉप अब मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी ने मेरिट बनाया और एलिजिबल स्टूडेंट्स को मतलब शॉर्ट लिस्ट किया। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर एग्जाम्पल 20 हैं, मगर लैपटॉप का जो कोटा आया है वो आया है 5 या 10 या कोई भी फॉर एग्जाम्पल फिगर आया है। तो जो बकाया बच्चे बच गए हैं उनका क्या होगा? वो आएंगे हमारे पास, नॉट सेलेक्टेड के एप्लीकेशन स्टेटस उनको शो किया जाएगा कि वो लैपटॉप स्कीम के लिए उसके हर चीज़ मेरिट वगैरह हर चीज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देके गए हैं, बट वो एलिजिबल नहीं है मेरिट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे की 96% आई है तो इसी तरह फर्दर चलती गई चलती गई चलती गई 86 तक या 70 तक, ठीक है उसका डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल उसने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया, बट हमारे पास लैपटॉप जो है वो कम होंगे कोटा के अंदर, तो हम सबको तो दे नहीं सकते लैपटॉप। इसी वजह से लैपटॉप उन्हीं को अवार्ड किया जाएगा जिनका मेरिट सबसे ऊपर आ रहा होगा, टॉप जो टॉपर्स होंगे उनको दिया जाएगा, और जो बकाया बच जाएंगे उनके ऊपर स्टेटस जो है वो फोकल पर्सन जो लगाएंगे वो लगाएंगे नॉट सिलेक्टेड का। तो अब आखिरी हमारे पास जो स्टेप है, आखिरी पॉइंट हमारा इसमें यह है एसेट इशूड। एसेट इशूड के अंदर डिटेल है कि स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन इशूड अ लैपटॉप इन प्रीवियस स्कीम स्लैश फेज, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी काइंडली कॉन्टेक्ट योर यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन। अब जो एप्लीकेशन स्टेटस है, अगर आप जैसे आपने सबमिट किया एप्लीकेशन अपनी, तो आपका स्टेटस आया अप्लाइड का, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गए, आपके वेरीफाइड का ऑप्शन आ गया, आप सिलेक्टेड सिलेक्ट हो गए, आपको पास ऑप्शन आया सिलेक्टेड का। अब जब आपको लैपटॉप इशू कर दिया जाएगा, उस लैपटॉप इशू कर देने के बाद आपके पास जो स्टेटस आएगा वो आएगा एसेट इशूड। ठीक है, इसके अंदर आपको जो लैपटॉप है वो इशूड कर दिया जाएगा, जैसे कि स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन इशूड अ लैपटॉप। अगर किसी प्रीवियस स्कीम में अगर आपका लैपटॉप स्कीम में अगर आपका लैपटॉप इशू किया जा कर दिया गया होगा तो भी आपका स्टेटस एसेट इशूड आएगा। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल रखी हुई है। इसमें हम चल के आपको दिखाते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास नेम ऑफ स्टूडेंट्स, फादर नेम, एनरोलमेंट नंबर, डिग्री प्रोग्राम, ईयर ऑफ स्टडी, सेमेस्टर के किस सेमेस्टर में बच्चा पढ़ता है, कैंडिडेट किस सेमेस्टर में है, लास्ट एग्ज़ाम जो भी उसने सबमिट करवाया है उसकी CGPA कितनी है और परसेंटेज कितनी बनती है, स्टेटस क्या है और मेरिट स्टेटस क्या है। तो ये जो स्टेटस वाला सेक्शन है इसमें आप देख सकते हैं कि जितने बच्चों ने अप्लाई कर दिया था उन सब के यहाँ पे अप्लाइड लिखा हुआ आ रहा है। अब चूंकि यहाँ पर अब तक वेरीफाई प्रोसेस चल रहा है, तो वेरीफाई प्रोसेस के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास अप्लाइड से एक बच्चे ने वेरीफाई डॉक्यूमेंट करवा लिए हैं अपने, तो उसका यहाँ पे वेरीफाइड आ रहा है। तो जैसे जैसे आप लोग जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स फोकल पर्सन के पास लेकर या स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस में लेकर, तो आपका स्टेटस जो है वो अप्लाइड से वेरीफाइड हो जाएगा। इसी तरह मोर ओवर आपके और भी स्टेटस अपडेट होते जाएंगे वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे आपका प्रोसेस जो है वो आगे फर्दर मूव होता जाएगा। अब हम आपको लाइव लेके चलते हैं वेबसाइट पर, वहाँ से चल के आपको दिखाते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे आपने चेक करना है फर्दर, जैसे जैसे आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे या मोर ओवर कोई भी आगे। तो चल के देखते हैं लाइव वेबसाइट पर कि आपने कैसे इसको चेक करना। तो ये है हमारे पास लिंक, इस लिंक के अंदर
हम इस लिंक पे आप इसको देख सकते हैं। हम मैं तो इसको क्लिक करके चला जाऊंगा, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, या PMYAP लिख कर आप उसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ साइट पर, तो ये देख सकते हैं आपके मैं अब साइट पर आ गया हूँ। यहाँ पर आप चल के देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है, लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी, जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। आप अपने फोकल पर्सन को यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक ये साइट पर एक ऑप्शन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके पास सर्च फोकल पर्सन, कौन सा फोकल पर्सन है आपके पास, आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें आप इस साइट से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं जहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे। तो एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर आपने जैसे ही आप एंटर होंगे तो आपके पास ये एक डिटेल मांग रहा होगा, ये इस तरीके से आपके पास होगा, एक ऑप्शन आ रहे होंगे, तो आपने इनमें फिल करना है। जैसे कि आपकी जो भी फेज़ है आपका, अब आपके पास फेज़ हमारे पास एक शो हो रहा है 2022 से 2023 तक का। यूनिवर्सिटी कौन सी है हमारे पास, किस सिटी की यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल मैं नवाबशाह की सिटी डाल देता हूँ, नवाबशाह सिटी, तो नवाबशाह आ गया। अब ये आगे कह रहा है कि यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है हमारे पास नवाबशाह में, तो कायदे आम यूनिवर्सिटी मैं डाल देता हूँ इसमें, एंटर कर देता हूँ। उसके बाद कैंपस, अब कायदे आम के दो कैंपस हैं, किसी यूनिवर्सिटी के कोई और कैंपस भी हो सकते हैं, कोई और नाम भी हो सकता है उसका, तो हमारे पास कायदे आम के दो कैंपस आ रहे हैं, मेन कैंपस लारकाना, तो मैं मेन कैंपस पर चला जाता हूँ। अब यहाँ पर मेन कैंपस एंटर करने के बाद, अब मेन कैंपस में कौन कौन से डिपार्टमेंट फॉलो कर रहे हैं, तो वो डिपार्टमेंट जो है वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखें डिग्री लेवल, अब डिग्री कंप्यूटर साइंस के अंदर देख सकते हैं आप, कायदे वाम PhD भी करवा रही है, MS भी करवा रही है, और बैचलर्स भी करवा रही है। 18 ईयर जो होता है वो होता है MS, और 16 ईयर जो होता है वो होता है बैचलर्स। तो चलें हम 16 ईयर चेक करते हैं बैचलर्स, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे बैचलर्स के। तो ईयर ऑफ स्टडी के कौन से ईयर में स्टडी कर रहे हैं, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास, हम चल लेते हैं फर्स्ट पे। तो अब हम चल कर इसको फिल्टर करते हैं ज़रा रिजल्ट को सारों को। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपनी मर्जी से एंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक पेज पे कितनी एंट्रीज शो हो। मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ ताकि ज़्यादा रिकॉर्ड शो हो मुझे। तो अब आप देख सकते हैं कि 25 एंट्रीज मुझे शो होंगी एक पेज पर। तो ये देखें वही मुझे सब शो हो रहा है, स्टूडेंट्स के नेम, फादर नेम, एनरोलमेंट, डिग्री, ईयर, सेमेस्टर, लास्ट एग्जाम, परसेंटेज, स्टेटस, मेरिट स्टेटस। उसके बाद ये देखते जा रहे हैं आप नीचे कि ये सारे अभी अप्लाइड इन्होंने किया है, अभी ये सारे स्टूडेंट्स इन्होंने सिर्फ अप्लाइड किया है, इनकी इनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई अभी तक, ठीक है। तो ये अप्लाइड किया इन सारों ने, नेक्स्ट भी जाके देख सकते हैं हम लोग। टोटल 63 स्टूडेंट्स हैं इस एंट्री के अंदर जो हमने फिल्टर लगाया उसके अंदर। ये सब अभी वेरीफाई के सॉरी ये सब अभी अप्लाइड के अंदर आ रहे हैं। जैसे जैसे ये सब सबमिट करवा कर आएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स फोकल पर्सन के पास, तो ये वेरीफाई वो करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्टेटस अपडेट आ जाएगा वेरीफाई का। तो अब इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, हम आइए चल के देखते हैं इस स्लाइड पर। यहाँ पर है कि द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आर CNIC, लास्ट टर्म स्टूडेंट सेमेस्टर एनरोलमेंट मार्कशीट। कार्ड प्लस इंटरमीडिएट की मार्कशीट। अच्छा, अब इन चारों चीजों की हमें फोटो स्टेट प्लस ओरिजिनल भी लेके जानी है, जिससे हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ओरिजिनल से फोकल पर्सन जो है वो वेरीफाई करेगा और चेक करेगा उसमें कि कोई अमेंडमेंट, कोई एडिट तो नहीं किया हुआ, तो इसी वजह से वो ओरिजिनल मंगवा रहे हैं। और एडिट और जो फोटोकॉपी है वो अपने पास अटैच करके रखेंगे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के लिए। तो CNIC और एनरोलमेंट कार्ड तो आप ले जाएंगे, बट एक इशू है लास्ट टर्म सेमेस्टर मार्कशीट। अब यहाँ पे लिखा है लास्ट टर्म सेमेस्टर मार्कशीट, लास्ट टर्म सेमेस्टर मार्कशीट का मतलब ये है कि आप वो सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जाएंगे फोकल पर्सन के पास जो आपके यहाँ तो सर्कुलर में बताई गई हो, या फिर वो आपको किसी नोटिस के जरिए बताया गया। और आप ये अपने फोकल पर्सन से रابطہ करके भी पता कर सकते हैं
क्या कौन से सेमेस्टर की मार्कशीट लेकर जानी है, तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, तो ये आप अपने फोकल पर्सन से भी पता कर सकते हैं, या कोई अगर सर्कुलर इशू किया गया है तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो आइए अब लास्ट में चल के देखते हैं कि अगर आपके पास कोई इशू आ रहा है, कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है आपका, और वो आपने डिस्कस करना है अपने फोकल पर्सन से, बट आपको यही नहीं पता कि आपका फोकल पर्सन कौन सा है यूनिवर्सिटी में, तो आइए चल के ये आपको बताते हैं कि आपने कैसे अपने फोकल पर्सन का पता करना है कि आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी में आपका कंसर्न फोकल पर्सन कौन सा है। तो अब हम चलते हैं साइट पर, PMYP की साइट पर चलकर आपको दिखाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर जहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ गो टू फोक सर्च फोकल पर्सन टैब, यहाँ से भी आप जाकर अपने फोकल पर्सन को देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन कौन सा है, और यहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन कौन सा है। तो फिर आइए आप यहाँ पर चल के देखते हैं। अच्छा, फोकल पर्सन के टैब पर हम आ चुके हैं इस वक्त, और अभी हम देखते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन हैं कि सिटी सिलेक्ट करें, सिटी फॉर एग्ज़ाम्पल हम नवाबशाही इस दफ़ा भी सिलेक्ट करते हैं नवाबशाह, और यूनिवर्सिटी हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस टाइम चेंज करके शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, और अब हम इसको फ़िल्टर करते हैं और देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से फोकल पर्सन हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में तीन फोकल पर्सन हैं जिनके डिपार्टमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं यहाँ पर, जिनका कैंपस लिखे हुए हैं यहाँ पर, यूनिवर्सिटी का नेम लिखा हुआ है, और ईमेल एड्रेसेस भी लिखे हैं, और ऑफिशियल फ़ोन नंबर्स भी लिखे हुए हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर उनको अलॉट किए गए हैं, वो फ़ोन नंबर भी लिखे गए हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई इशू आ रहा है, और आप अपने फोकल पर्सन डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से अपने फोकल पर्सन को सर्च करके PMYP की लैपटॉप स्कीम वाली वेबसाइट से सर्च कर आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं।